पीएम मोदी की सभा में ड्यूटी के लिए जा रहे 6 पुलिस जवानों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। क्या है खबर, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, ये दुखद खबर जो है वो राजस्थान के नागौर जिले के खीवसर थाने में तैनात 6 पुलिसकर्मियों की सड़क हादसे में मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि एक घायल का इलाज जोधपुर में चल रहा है। सभी झुंझुनू में पीएम मोदी की सभा में वीआईपी ड्यूटी में खीवसर से जा रहे थे, तो खीवसर जाने से थाने से अपनी गाड़ी लेकर सुबह वो 4:30 बजे निकले थे कल, और NH 58 पर स्थित चुरू जिले के काड़ुता गाँव के पास बक्सरा गांव पहुंचने वाले थे, और इसी दौरान घना कोहरा होने के कारण आगे सड़क पर खड़ा ट्रॉली जो है उसको उनको नहीं दिखाई दिया और अचानक गाड़ी ट्रॉली से जाकर भिड़ गई। इस भीषण सड़क हादसे में पुलिसकर्मियों की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वहीं मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई है और 2 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर सुरपालिया थाना पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए ग्रीन कॉरिडोर के तहत नागौर के JLN अस्पताल पहुँचाया और एक और जवान ने वहाँ पर दम तोड़ दिया। एक जवान को नागौर से जोधपुर रेफर किया गया है। फिलहाल स्थिति उनकी नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही अजमेर रेंज IG लता मनोज भी मौके पर पहुंच गईं। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित कुमार यादव भी अस्पताल में पहुंचे। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव को नागौर की पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अजमेर रेंज IG लता मनोज कुमार, नागौर जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टॉगस और जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित कुमार यादव सहित पुलिसकर्मियों ने राजकीय सम्मान के साथ जवानों को अंतिम विदाई दी है। तो वहीं गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है और पुष्प चक्कर और चक्र जो है और तिरंगा देकर राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों से इन जवानों को अंतिम विदाई दी गई है। तो वहीं बता दें, देखिए सुखाराम खोजा पुत्र लाबू राम, उनकी एज जो है वो 51 साल बताई जा रही है। DM ने कहा है कि रोड एक्सीडेंट में 6 जवानों की मौत हो गई है और विशेष सुरक्षा ड्यूटी में ये जवान जा रहे थे। ये बड़ी दुखद खबर है। वहीं लता मनोज कुमार ने कहा है कि आज नागौर के 6 पुलिसकर्मियों को हमने रोड एक्सीडेंट में खोया है और नागौर पुलिस के लिए, अजमेर रेंज के लिए ये एक दुखद घटना है। तो इस तरह के बयान तमाम पुलिसकर्मियों के सामने आ रहे हैं, तमाम अधिकारियों के सामने आ रहे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें।